हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे ड्रामे की जिसका नंगा नाच सालों साल से चला आ रहा है और चल रहा है तो ऐसा चल रहा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे कहीं भी उठा के देख लो, आपको हर जगह बस यही दिखेगा, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। 12th हो गई तो बोर्ड्स का रिजल्ट, एंट्रेंस दिया फिर उसका रिजल्ट, ग्रेजुएशन हो गई फिर उसका रिजल्ट, जॉब इंटरव्यू दिया उसका रिजल्ट, आपका खुद का बिजनेस किया तो उसका रिजल्ट, यूट्यूब पर वीडियो डाली तो उसका रिजल्ट, यहाँ तक कि टिकटॉक पर वीडियो डालने तक का रिजल्ट। मैं आपको बता रही हूँ, ये रिजल्ट का किस्सा आपकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। नहीं, क्या आपको क्या लग रहा है कि ये यहीं तक सीमित है? ये रिजल्ट का किस्सा जॉब करने के बाद, चाहे आपका रिजल्ट कुछ भी हो, सक्सेस या अनसक्सेस, उसके बाद शादी तो करनी पड़ती है। बेटा शादी कर लो। नहीं मम्मी, अभी नहीं, अभी ना थोड़ा काम करना है लाइफ में। उसके कुछ साल बाद शादी ना हो ना तो बेटा आप तो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मम्मी इस प्रोजेक्ट पे और मेहनत कर लूँ, उसके बाद पक्का शादी कर लूँगी। उसके कुछ साल बाद जब तुम 28 से 30 की उम्र में पहुँच जाते हो ना और तुम्हारी शादी नहीं होती, तो तब साला अपने ही घर वाले ताना मारना शुरू कर देते हैं, शादी कब करेगी, कल मुझे तेरी उम्र की लड़कियों के ना 2 बच्चे होते हैं। चलो ये ताना सुनने के बाद आपने शादी कर ली, तो शादी के बाद उसका रिजल्ट, शादी के बाद बच्चों के रूप में उसका रिजल्ट। नहीं मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी तो रिजल्ट में ही निकल गई। तो काहे का बचपन में बोलते थे कि बेटा बस 12th कर लो, अच्छा रिजल्ट ले आओ, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछेगा। अरे पर उस टीनेज के नादान बच्चे को थोड़ी पता था कि उसकी सारी ज़िंदगी में रिजल्ट के नाम का एक भूचाल आने वाला है। मैं बता रही हूँ आप सबको कि अगर रिजल्ट के चक्कर में फंसे रहोगे ना, तो आज 23 साल की उम्र में मेरी तरह बस यही सोच रहे होगे कि भाई क्यों, आखिर क्यों लोग रिजल्ट के नाम पे मेरी लेने पे लगे हुए हैं। तो भाई भागो, भाग लो इस रिजल्ट से, और रिजल्ट की चिंता करने की बजाय काम की चिंता करो, वो काम करो जिसको करने में खुशी मिले और मज़ा आए। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।